हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपको मैं लेकर चलती हूँ लाजपत नगर मार्केट। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाजपत नगर मार्केट और सरोजनी नगर मार्केट। वीडियो बहुत छोटा है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है, बहुत ज्यादा कुछ वीडियो को स्ट्रेच नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लाजपत नगर मार्केट में आ गए हैं। आपको एंट्री करने के बाद इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको सूट बाहर ही डिस्प्ले होते दिख जाएंगे। और वहाँ पे दो तरह की आपको शॉप दिखेंगी, एक जो बहुत छोटी दुकानें हैं वो, और एक जो बड़े शोरूम्स वगैरह हैं वो। अब बात करते हैं, अगर हम बड़ी दुकान से लेंगे, जैसे कि अभी आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं ये बड़ी दुकान के सूट हैं, तो ये वाले जो सूट हैं, अगर आप पार्टी वेयर सूट लेते हैं और अगर आप प्लस साइज हैं या आपको बहुत ज्यादा हैवी वर्क के सूट चाहिए, तो स्टार्टिंग आप मान लीजिए 3500 से स्टार्ट होंगे। उससे नीचे अगर आप देखते हैं बिलो 3500, तो आपको कैजुअल सूट्स मिल जाएंगे, जो शायद आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या आपके आसपास की मार्केट में मिल जाएंगे। लाजपत नगर आप तभी आइए अगर आपको कोई हैवी सूट लेना है और आपका अच्छा खासा बजट है तो। और अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लाजपत नगर जाके शॉपिंग करें। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सूट्स देखे, हमें काफ़ी पसंद भी आए। कुछ सूट हमारे बजट से बहुत बाहर थे, कुछ हमारे बजट में भी थे, कहीं कुछ पसंद नहीं आया। पर अगर मैं रेंज की बात करूँ, जो हमने रील्स में देखा था और जिसको देख के हम वहाँ पहुँचे थे कि ठीक है, शायद यहाँ रीजनेबल बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हैं, तो वो एक मिथ था। तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए सच बता रही हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो ये सब मार्केट्स आपको एक्सप्लोर करना एकदम बेकार है। सस्ता तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। ये जो सूट आप देख रहे हैं, ये चार चार पाँच पाँच छः छः हज़ार के सूट हैं, तो आपको इस रेंज से ही मिलेगा। अगर आपका बजट 4-5-6 हज़ार तक का भी है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 के अंदर अंदर कुछ मिले, तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से मार्केट है। एक साइड आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड आपको प्रीमियम आउटलेट्स दिख जाएंगे और लेफ्ट में आपको छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी। वो दुकानें हैं भले ही छोटी, लेकिन उनका प्राइस और आउटलेट के प्राइस में ज़्यादा अंतर है नहीं। आउटलेट्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको डिज़ाइनर देखने को मिल जाएंगी, और पर ये कि फिर उनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हाई रहते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उसके बाद हमने 2-3 सूट्स ले लिए। पर हमने हैवी पार्टी वेयर सूट लिए थे, तो जो हमें पड़े थे अराउंड 6,000 के आसपास पर सूट हमें पड़ा था। तो इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको हेयर एक्सेसरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। छोटी छोटी सैंडल्स आपको चाहिए, या आपको और भी कुछ ब्लाउज पीस वगैरह, या रेडीमेड आपको डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह चाहिए, आपको इस तरीके से आप अगर पैदल पैदल घूमेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ वैसे मिल जाएंगी। और यहाँ पर लोग ज़्यादातर जैसे ब्राइड्स के लिए शॉपिंग करने आते हैं, तो आपको एक ही जगह में सारी चीज़ें मिल जाती है, वो भी गुड क्वालिटी की। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाया, तो हमने यहाँ पे पाव भाजी ली जो अच्छी थी, तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद पूरा मार्केट एक्सप्लोर करा हमने, और एक्सप्लोर करने के बाद अगर मैं आपको लास्ट में कंक्लूड करूँ तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे मार्केट ठीक ठाक लगा, लेकिन हाँ सस्ता बिल्कुल नहीं है। रील्स देख के धोखे में मत आइए। यहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली और काफ़ी अच्छे अच्छे हमने सूट ले लिए। के बाद हमने सोचा कि चलो एक बार सरोजनी नगर भी पास में, एक बार उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सरोजनी नगर मार्केट आप तभी आए जब आप इतनी भीड़ भाड़ में शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के नहीं हैं और आप यहाँ से बाहर के और आप रील या वीडियो देख के शॉपिंग करने आ रहे हैं, तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर आपको एक तो कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई ट्रायल रूम नहीं होते हैं। अगर आप इस भीड़ में कपड़े छांट सकते हैं तो आप छांट लीजिए। अगर आप किसी शोरूम में या पे शॉप में जाते हैं तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट वही है जो आपके नियरेस्ट किसी शॉप का प्राइस है। सरोजनी नगर में अगर आप 50-80 रुपये के कपड़े देखेंगे तो उसका क्वालिटी भी वैसा ही होगा। प्लस अगर आप, मैं बात करूँ साइज़ की, तो अगर आपका साइज़ एस या एल है तो आपको अच्छे से कपड़े मिल सकते हैं वहाँ पर। अगर आप प्लस साइज़ हैं तो आपको कोई कपड़े ढंग के वहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। तो काफ़ी भीड़ में घुस घुस के आपको कपड़े छांटने पड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या जिनको डेली डेली नए नए कपड़े पहनने का शौक है, तो उनके लिए ठीक है कि 500 रुपये में 6-7 जोड़ी टॉप मिल गए। अदरवाइज तो बहुत ही हसल है यहाँ पे शॉपिंग करना। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों मार्केट को, तो लाजपत नगर मार्केट मुझे काफ़ी डिसेंट रिच मार्केट लगा। वहाँ पर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। सरोजनी नगर थोड़ा सा चीप, सस्ता और इस तरीके से छाटने वाला मार्केट।